धनेश्वर मंदिर देवप्रयाग के नीचे नदी के किनारे खेलते समय पैर फिसलने से एक 8 साल का बच्चा नदी में गिर गया। इसे बचाने के लिए उसका बड़ा भाई भी नदी में कूद गया। इस तरह दोनों नदी के तेज बहाव में बहने लगे। वहीं घटना की सूचना पर एसटीआरएफ और पुलिस के जवान रेस्क्यू और सर्च अभियान चला रहे हैं। घटना रविवार की है, लेकिन रेस्क्यू टीम और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। एसटीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी है। वहीं ऋषिकेश से डीप डाइवर्स की टीम को भी बुलाया गया है। और पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कल शाम की घटना है, ये 5 बजे के आसपास बच्चे वहाँ खेल रहे थे बता रहे, और वो नदी में उनकी बॉल चली गई थी तो बता रहे बच्चे कुछ नीचे में बॉल लेने के लिए गए थे शायद, वो और सी बीच में पानी में चला गया एक बच्चा, उसको उसको बचाने के चक्कर में एक दूसरा उसका जो भाई था वो, ये बताया जा रहा है कि वो भी उसको बचाने के आगे बढ़ा तो ये दोनों वहाँ से बाद में पता चला कि वहाँ से नदी में बह गए हैं।